चलो, कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हम लोग के पास सिलेंडर है, ठीक है, और वो रोल कर रहा है, सिलेंडर रोलिंग मोशन कर रहा है। सिलेंडर हमारे रोलिंग, रोलिंग क्या होता है भैया, आगे भी जाना और ट्रांसलेट भी करना और रोटेट भी करना, मतलब दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है सिलेंडर के पास। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, इट कोलाइड विद ए हॉरिजेंटल स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। अब आपको ये बात समझना है, सिलेंडर देखो, सिलेंडर अब मैं यहाँ सिलेंडर, ये एक स्प्रिंग, हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इस तरह से हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, और यहाँ से एक सिलेंडर रोल करते आ रहा है। सिलेंडर को मैं सामने से देख रहा हूँ, ये ओमेगा से घूम भी रहा है और वी वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है, रोल करते आ रहा है। सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर है, रोल करते आ रहा है। जब ये इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जिसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये रोटेशन, रोटेशन की एनर्जी से भी लग सकता है और ये वर्क एनर्जी का ही है, ठीक है। तो अब जब अगर ये स्प्रिंग, अगर ये इसे कोलिजन करता है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और साथ साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तभी तो रोलिंग बनता है। और ये दोनों की दोनों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग आ जाएगा। तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग मान लो एक्स कंप्रेस हो गई, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर रोल करा तो उसके पास दो टाइप की काइनेटिक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा। अब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क के इक्वल होता है एम आर स्क्वायर बाई टू और ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ठीक है, तो भी इज इक्वल टू होता आर ओमेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर को काट दिया, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम बी स्क्वायर बाई फोर इधर बचा और इधर टू, मतलब यह आ जाएगा थ्री एम बी स्क्वायर, थ्री एम बी स्क्वायर बाई फोर, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए हम लोगों को, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में मैं क्या करूँगा, इसको टू से टू काट दिया, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी थ्री एम बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर थ्री एम बी स्क्वायर और टू के अंडर रूट, दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। अब सभी वैल्यू डाल दो यार इसमें, थ्री की वैल्यू, मास कितना था, मास सिलेंडर का मास 3 kg था, स्पीड 4 था, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 था, मास 3 kg था, ठीक है, स्प्रिंग स्पीड 4 था, 16 हो गया और ये और मल्टीप्लाइड बाई 200 इक्वल टू 400, तो फाइनली जो मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा वो, इसको काट को काट उठ लो यार, ठीक है, ए फोर फोर ये, ठीक है, तो ए आ जाएगा 9 9 6 36, 36, ठीक है, 36 अपन 100, मतलब ये आ जाएगा 0.6 meter, 0.6 meter जो है वो एक्चुअली कंप्रेशन हुआ होगा, ठीक है, 0.6 meter है कोई, हाँ, ये मतलब हम लोगों के पास बी ऑप्शन सही है, दिस वन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन सही है।